मुझे इस घर में ये ड्रामे नहीं चाहिए, समझी तुम? माँ जी, आप इसे ड्रामा बोल रही हैं। ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? टाइम से तो तू कोई काम करती नहीं है, काम चोर कहीं की। तुझे पता है ना मैं लेट हो रही हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया तूने? बोल क्यों नहीं रही? मेरी पोती तुमसे कुछ पूछ रही है। अभी बना देती हूँ माँ जी, अभी बना देती हूँ। सुबह से तू कर क्या रही थी? काम चोर कहीं की महारानी, काम किन को काज की, दुश्मन अनाज की। बेटे लाडो, तू ये कैसे बात कर रही है? भला अपनी माँ से कोई इस तरीके से बात करता है? खबरदार जो मुझे बेटी कहा तो कान खोल के सुन ले, ना मैं तेरी बेटी हूँ और ना तू मेरी माँ, समझी? लाडो बेटे, क्या हुआ अगर मैंने तुझे जन्म नहीं दिया? लेकिन मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। चल अब ज्यादा प्यार मत दिखा और जाकर रसोई में खाना बना मेरी पोती के लिए। नहीं दादी जी, आज से मेरा नाश्ता और खाना आप ही बनाओगे, ये नहीं। क्यों बेटा? मुझे इस डायन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मुझे ये जहर देकर कभी भी मार सकती है। क्या कहा लाडो तूने कि मैं और तुझे जहर देकर मारना चाहती हूँ? अरे तेरे बिना तो मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती, तू मेरी जान है जान। तूने जमीन और पैसों के लिए मेरे पापा से शादी की है ना, मैं सब जानती हूँ। तू यही चाहती है ना इन सबको मार कर और मैं यहाँ राज करूँ? मैं मगर ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तू सही कह रही है बेटा, ये औरत नहीं डायन है डायन। माँ जी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप दोनों मुझ पर इतना प्यार बरसा रही है? और लाडो, मैंने तेरे पापा से शादी जमीन और प्रॉपर्टी के लिए नहीं की बल्कि तेरे लिए। बस झूठ बोल रही है तू। अच्छा एक बात बता मुझे, अगर तूने जमीन और पैसों के लिए मेरे पापा से शादी नहीं की, तेरे अंदर फिर कमी क्या थी जो तूने शादीशुदा एक बच्ची के बाप से शादी की? बोल ना, अब चुप क्यों है? या तुझे कोई सांप सूंघ गया? अरे लाडो, ये बांझ क्या बोलेगी, इसे क्या पता औलाद क्या होती है। सही काम आपने, मैं बांझ हूँ बांझ, और आप ना रोज मुझे ये ताने देती हैं। और लाडो तू मुझे बांझ बोल रही है ना, तो आज मैं सब कुछ बताती हूँ कि मैं बांझ क्यों। बक क्या बकना है, वैसे भी तेरी रोज रोज की बकवास सुन सुन के हम बोर हो गए हैं। तो सुन लाडो, मैं और तेरी माँ हम दोनों बचपन की पक्की सहेलियाँ थी, और हम हमारे माँ बाप की बहुत ज़्यादा लाडली थी। तेरी माँ की शादी हो गई और मैं डॉक्टर की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई, और जब 3 साल बाद तेरी माँ का देहांत हुआ ना, तो मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर यहाँ गांव चली आई। और जब मैं इस घर में आई ना, तो तू सिर्फ 1 साल की थी। क्यों सासू माँ, मैंने ठीक कहा ना? हाँ ये तो सच है। और जानती है तू एक बात, मेरे घर वालों ने मेरी शादी के लिए एक लड़का देखा था, और वो भी डॉक्टर था, मगर मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। जानती है क्यों? मैंने सोचा कि अगर मैं कहीं और शादी कर लूंगी तो हो सकता है कि तेरी दूसरी माँ पता नहीं कैसी आए, वो तुझे प्यार करेगी भी या नहीं, तुझे सुखी रखेगी भी या नहीं। इसीलिए मैंने तेरे पिताजी से शादी की, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। और माँ जी, आप क्या कह रहे थे मुझे, क्या कह रहे थे कि मैं बांझ हूँ? मैं बांझ नहीं हूँ माँ जी, मैं बांझ नहीं हूँ। मेरी भी औलाद हो सकती थी, लेकिन मैंने जान बूझ के और सोच समझ कर कोई औलाद नहीं की। जानती है क्यों? क्योंकि ना मुझे डर था कि अगर मेरी कोई अपनी औलाद हुई ना, तो शायद मैं लाडो को वो प्यार ना दे सकूं जिसकी वो हकदार है। इसीलिए मैंने अपनी कोई औलाद नहीं की माँ जी, कोई औलाद नहीं की। और लाडो, कौन कहता है कि मैं बांझूं? कौन कहता है? मेरी बेटी है ना, तू है ना लाडो, तू है ना। माँ मुझे माफ कर दो, देवी हो देवी, मुझे गर्व है क्यों, मैं आपकी बेटी हूँ माँ।
माफ कर दो जो मैं तुझे बांझ बांझ कहकर ताने देती रही। तुम तो एक लक्ष्मी हो,